इफ्तार जो होता है उसमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, उसका टोपी पहनना, उसका गमछा लगाना, उसका इफ्तार करना उनकी मजबूरी है। प्रधानमंत्री बनना चाहते नीतीश कुमार जी, 24 का सपना उनका अधूरा है, 25 पूरा साफ है। नीतीश कुमार से पूरे बिहार को परेशानी है, बिहार नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरा की कमी नहीं है, 40 की 40 सीट पर हर दल को तैयारी करनी चाहिए और गठबंधन जब हो तो उसका धर्म का पालन करना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में ना अभिषेक है। इफ्तार का दौर है बिहार में और इफ्तार पर तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार की पार्टी हुई है, रबड़ी आवास पर पार्टी की गई है, इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं राम सूरत राय। बीजेपी वाले इफ्तार में नहीं जाते हैं? बीजेपी वाले इफ्तार में क्यों नहीं जाते, इस पर विचार करना पड़ेगा। इफ्तार जो होता है उसमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है और भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेता सर्वधर्म सभाव हर समाज हर वर्ग को लेकर चलती है। वहाँ वो पार्टी जो लिमिटेड कंपनी पार्टी है वो उनको एक ही व्यक्ति को खुश करना है, इसलिए उसका टोपी पहनना, उसका गमछा लगाना, उसका इफ्तार करना उनकी मजबूरी है। वो लोग कहते हैं कि आप लोग अमन चैन नहीं चाहते। देश के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं ये 9वां वर्ष चल रहा है, आप ऐसा कोई इतिहास बता दीजिए जहाँ से अमन चैन का खतरा हुआ हो। आज के दिन में सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने वाला देश का कोई पहला प्रधानमंत्री है जिसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। 2024 की तैयारी में जेडीयू जुटी हुई है क्योंकि एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया था जिसमें पीछे लाल किला। निश्चित रूप से हर दल को अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से जदयू चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते नीतीश कुमार जी, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, 24 का सपना उनका अधूरा है, 25 पूरा साफ है। साफ है 25 पूरा साफ है। लेकिन आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी को ही क्यों नफरत है इफ्तार से? आरजेडी वाले के साथ अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे उनको परेशानी हो। नीतीश कुमार से पूरे बिहार को परेशानी है। आने वाला समय आरजेडी जी ने अपना काम किया, अपने वोट बैंक के लोगों को जवाब देगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के कारण पूरा बिहार ना खुश है और बिहार नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है। आरजेडी को खामियाजा नीतीश कुमार लेना चाहते? बिल्कुल भगतना पड़ेगा, बिल्कुल 100% नीतीश कुमार का वोट बैंक असर कर दिया। निश्चित रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि जो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक था वो तो शिफ्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कुछ परसेंटेज छोड़ के, और तेजस्वी यादव की जगह वोट बैंक था उसमें बहुत गिरावट आई है। बिहार का सीएम चेहरा कौन है बीजेपी का? बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरा की कमी नहीं है, एक पर एक प्रखर विद्वान, एक पर एक बड़े नेता और हर जाति हर समाज हर धर्म में हमारे पास नेता है। बीजेपी के नेतृत्व दिल्ली जो तय करेगी वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। विधायक का एक दावा है, राजू सिंह है बीजेपी के विधायक साहेबगंज से, उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी बीजेपी के विधायक बनेंगे, सीएम हो सकते हैं। मेरे पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि कल हमारा बूथ का अध्यक्ष कौन बनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कोई कंपनी लिमिटेड की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी एक समाज का नहीं है, जमात की पार्टी है, देश की 135 करोड़ जनता की पार्टी है। हमारे यहाँ कोर ग्रुप होता है, कोर कमेटी होता है और आने वाले समय में वो फाइनल तय दिल्ली से होता है, जो आएगा वो हमारे लिए सर्वमान्य नेता होगा। चिराग पासवान एक दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीट पर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। हर नेता को हर दल वाले को तैयारी पूरी करनी चाहिए, 40 की 40 सीट पर हर दल को तैयारी करनी चाहिए और गठबंधन जब हो तो उसका धर्म का पालन करना चाहिए। आपने सुना कि बीजेपी के विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं राम सूरत राय, बीजेपी का कद्दावर नेता भी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए आरजेडी वाले इस तरह का इफ्तार कर रहे हैं और कई सारी बातों को भी कहा है। वहीं सीएम दावेदारी को लेकर साफ साफ कहा कि बिहार में बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, अनेकों चेहरे हैं बिहार में, बीजेपी के पास दिल्ली से जो तय होगा वही सर्वमान्य होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।